नमस्कार दोस्तों, मैं नीटू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट एल्टीस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कान के दर्द को एक आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे से कैसे ठीक कर सकते हो। ना ही आपको एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयां खाने की जरूरत है, ना ही आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अगर किसी भी वजह से, चाहे फोड़े फुंसी की वजह से या फिर किसी नुकीली चीज अगर कोई आपके कान में लग गई है, किसी जख्म की वजह से या फिर आपका पर्दा जो कान का होता है वो कमजोर हो गया है, इस वजह से, किसी भी वजह से अगर आपके कान में दर्द होता है, तो जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा उस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए। मिनटों में आपके कान का दर्द गायब हो जाएगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई भी, कितनी भी उम्र का बंदा, इसे महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करके अपने कान के दर्द को आसानी से ठीक कर सकता है। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हमने आपको बताया क्या है। आपको दोस्तों करना क्या होगा, 10 से 15 ml, 10 से 15 ग्राम आपको सरसों का तेल लेना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, सरसों का तेल जो आप लोगे वो बिल्कुल उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नकली तेल नहीं लेना है, असली अच्छी क्वालिटी का आप 10 से 15 ml सरसों का तेल ले लीजिए। उसके अंदर दोस्तों आपने जो लहसुन की कली होती है, लहसुन होता है, लहसुन की 6 से 7 या फिर 5 से 6 कली छील के अच्छे से हल्की हल्की कूट के, ज्यादा नहीं कूटनी है, हल्की कूट के उस सरसों के तेल के अंदर डाल दीजिए और उसको गर्म होने के लिए गैस पे रख दीजिए। जब दोस्तों जो लहसुन की कलियां आपने सरसों के तेल के अंदर डाली हैं वो बिल्कुल जल के काली हो जाएं, बिल्कुल काली हो जाएंगी वो जल के, और सरसों का तेल आधा बच जाएगा, बाकी जल के खत्म हो जाएगा। जब वो सरसों का तेल आधा बच जाए और जो लहसुन की कलियां बिल्कुल काली हो जाएं जल के, उस सरसों के तेल को आप गैस से उतार लीजिए और छान कर किसी कांच के बर्तन में, कांच की शीशी में उसको रख लीजिए। ये दोस्तों आपकी दवाई तैयार हो गई कान के दर्द की। बिल्कुल सिंपल सा नुस्खा है, दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल सिंपल सा नुस्खा है, बिना साइड इफेक्ट वाला है और तुरंत रिजल्ट, 100% तुरंत रिजल्ट आपको ये नुस्खा देगा और आपके कान को 1% भी हानि नहीं होगी। कान दोस्तों बहुत ही संवेदनशील अंग है हमारे शरीर का, इसलिए हमको कान का इलाज करते हुए बड़ी सावधानियां बरतनी होती हैं। जो मैंने आपको नुस्खा बताया बिल्कुल सेफ नुस्खा है। आपको इस तेल को अपने कान के अंदर 2 से 3 बूंदें डालनी है। जिस भी कान में आपको दर्द है, 2 से 3 बूंदें इस तेल की आप अपने कान के अंदर डाल लीजिए। आपका कान का दर्द थोड़े ही, कुछ ही समय बाद आपके कान के अंदर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जब दूसरी बार आप इस तेल को डालो तो हल्का सा गर्म जरूर कर लीजिएगा। जब इस तेल को आप, कितने भी दिन तक, कोई ये खराब नहीं होगा, कितने भी दिन तक आप इसको रख सकते हो। और जब भी आप अपने कान के अंदर इस तेल की कुछ बूंदे डालो तो उन बूंदों को पहले आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, फिर अपने कान के अंदर डालिए। अगर आपका कान बहता है या फिर आपके कान में किसी भी वजह से अगर पेन हो रहा है तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा, कान का बहना भी इस नुस्खे से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। बस थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा, कान को ढके रखिएगा और कान को किसी नुकीली चीज से साफ मत कीजिएगा ताकि आपके कान के अंदर जख्म ना हो। और अपने कानों की अच्छे से देखभाल रखिएगा, ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल मत कीजिएगा ताकि आपको ये नौबत आए ही ना कि आपके कान में दर्द हो। फोड़ा फुंसी, अगर कोई ज्यादा फोड़ा फुंसी भयंकर हो गया आपके कान में, तो आप किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, किसी कानों के डॉक्टर के पास जाकर अच्छे से जरूर दिखाइएगा। क्योंकि अगर कोई फोड़ा फुंसी अगर आपके कान में ज्यादा हो गया तो उसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। अगर इसकी वजह से आपके कान में दर्द होता है तो आप तुरंत इस नुस्खे का इस्तेमाल करके अपने कान के दर्द को ठीक कर सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है उस पर ओके करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को ताकि आने वाली है हर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। दोस्तों मैंने एक वेबसाइट बनाई है www.rambaniraj.com। अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हो तो सभी के सभी बीमारियों का इलाज आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च करके आसानी से जा सकते हो। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।